पलपल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान भी डाले जा चुके हैं और 18 अप्रैल को दूसरे चरण के भी मतदान डाले जा चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले और दूसरे चरण में मतदान हुए हैं उसमें सपा बसपा गठबंधन को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि अमेरिका की CIA की रिपोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि देश में 2019 लोकसभा चुनाव के चलते ही जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा फसाद देश में करा सकती है, जिसके चलते हमारे और आपके बीच में एक नफरत बो दी जाए और उस नफरत के आधार पर 2019 में फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। और ऐसा होता हुआ अब नजर भी आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं कि कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी किसी को किसी बात के लिए उलझाया जा रहा है। देश में एक अजब माहौल बना दिया गया है और उसी के आधार पर भड़काऊ भाषण देने वालों की भी देश में कमी नहीं है। और ये भी हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर इस देश में चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव में जो सपोर्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में हर किसी को पता है कि मोदी हुकूमत RSS की ही सरकार है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ताओं को बचाने में लगी हुई है। तो वही कार्यकर्ता अब खुल करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं के लिए एक नफरत भरा माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला बुलंदशहर से हम लोगों के सामने आया है, जिससे कई लोगों से हमने बात करी तो हैरानगी हुई कि देश में किस तरह से नफरत परोसी जा रही है और इसके ऊपर प्रशासन और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए बैठी हुई है। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में RSS के पदाधिकारी उदय प्रताप को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हिंदू धर्म को उसके सही स्थान पर वापस लाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह केवल मुसलमानों और उनके राजनीतिक दलों को दिखाने से संभव हो गया है, चाहे वह कांग्रेस हो, सपा या बसपा हो, उनकी जगह हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें देश को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना है और इसके अतीत के गौरव को बढ़ाना है। चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हमने लोगों के बीच संदेश भेजा है कि अगर मोदी हार गए तो मुसलमान फिर से हावी हो जाएंगे, हिंदू अब एकजुट है और तुष्टिकरण की राजनीति के दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे बताएं कि क्या आप मोदी और उनकी सरकार की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं? पाकिस्तान अब डर से कांप रहा है। बुलंदशहर के बीचों बीच दो मंजिला स्वयंसेवक RSS कार्यालय में मंगलवार की सुबह बातचीत के बीच वह अपने आईफोन 5 से स्वयंसेवकों को बुलाने, जमीनी स्थिति के बारे में अपडेट लेने के प्रत्येक मतदाता को जुटाने के निर्देश पर पारित करने में व्यस्त था। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में जिसने गुरुवार को मतदान किया, पूर्व संघ प्रमुख MS गोलवलकर के चित्र से सजे एक बड़े कमरे में उनके बगल में बैठे 3 स्वयंसेवक कुछ गांवों की मतदाता सूची तैयार कर रहे थे, जो उन गांवों में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं, पैदल सैनिकों को सौंपे जाने थे। उदय ने एक स्वयं सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह शाम तक किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। कार्यालय गतिविधि से लबालब था। कई भाजपा नेताओं को जिले के शीर्ष RSS पदाधिकारियों के साथ
बैठक करते देखा गया। कार्यालय में बेड, एयर कूलर और शौचालय के साथ कई छोटे मोटे कमरे हैं। बड़े हॉल में एक कोने में भगवा झंडे और अन्य प्रचारक करने वाले माल पड़े हैं। उदय ने मुजफ्फरनगर दंगों और देश में गाय से जुड़ी हिंसा के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि क्या वे नहीं जानते कि हिंदू गायों को माता मानते हैं, वे गायों को क्यों मारते हैं? अगर वे शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वे अपने घरों या मस्जिदों के अंदर नापाक गोश का मांस पाते हैं तो क्या वे हिंसक प्रतिक्रिया नहीं करते? उन्होंने कहा, हिंदुत्व है जो हिंदू राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। पार्टी ने 1991 के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर जीत हासिल की और 2009 में केवल एक बार हारी। भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद भोला सिंह को दोहराया है। सपा बसपा रालोदा महागठबंधन ने योगेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है और वहीं कांग्रेस ने बंसीलाल पहाड़िया को मैदान में उतारा है। पिछले साल दिसंबर में बजरंग दल के नेता योगेश राज के नेतृत्व में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा कथित तौर पर एक पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यहां स्थिति अस्थिर हो गई थी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह गोहत्या के बहाने सांप्रदायिक तनाव के मकसद से पूर्व नियोजित साजिश थी। योगेश अभी भी फरार है। बुलंदशहर में मुसलमान, जो ज्यादातर मजदूर, सब्जी और फल विक्रेता और छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने कहा कि यह एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मदरसा शिक्षक मोहम्मद मुस्तकीम कहते हैं कि हर दूसरे दिन हम आरएसएस और बजरंग दल द्वारा यहां विशाल रैलियों को देखते हैं। वे नियमित रूप से कस्बों और गांवों में प्रचार कर रहे हैं और 2014 में सत्ता में आने के बाद स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू कर दिया है। केवल टीवी फर्म के लिए काम करने वाले अनवर खान ने आरएसएस बजरंग दल पर सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक लाइनों के साथ आबादी को विभाजित करने का आरोप लगाया। नवर खान बताते हैं कि वे हमें देशद्रोही कह रहे हैं। यदि वे वास्तव में इस देश से प्यार करते हैं तो हमें हिंदू मुस्लिम राजनीति का सहारा नहीं लेना चाहिए और ना ही विभाजन और शासन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने लोगों के बीच नफरत का बीज बोया है और सत्ता का फल भोग रहे हैं। सभी का कहना है कि इस क्षेत्र ने कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं देखी थी, लेकिन चीजें बदल गई हैं। खान कहते हैं कि स्थिति अब बहुत नाजुक है। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं और वे मेरे सामने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनके फेसबुक पेज देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत इतनी गहरी है। पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। बुलंदशहर के 8 किलोमीटर दूर जैनपुर गांव में अमित पंडित ने कहा कि मुस्लिम और हिंदू हमेशा एकता में रहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में ये केवल हिंदू मुस्लिम के रूप में ध्रुवीकरण करते हैं। हमें मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है और ना ही वे हमारे साथ हैं। पंडित ने कहा कि उच्च जाति के लोग मोदी को वोट देंगे, ये कहते हुए कि भाजपा सांसद भोला सिंह से ग्रामीण बहुत नाराज हैं क्योंकि 2014 के चुनावों के बाद वह गायब हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि मोदी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हमें उसके लिए वोट करना है। चुनाव का परिणाम जाट वोटों से तय होने की संभावना है जो 2014 में मोदी के पास गए थे। इस बार भाजपा को डर है कि उन वोटों को विभाजित किया जा सकता है क्योंकि जाट नेता अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी ने सपा और बसपा के साथ हाथ मिला लिया है। तो आपने देखा कि बीते 2018 में बुलंदशहर में एक हिंसा होती है और उस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मौत के आगोश में सुला दिया जाता है। और वो जो हिंसा होती है, जब उसके तथ्य परत दर परत हम लोगों के सामने खुलती है, तो वही पुराना हथकंडा जो बरसों से अपनाते हुए आ रहे हैं कि मुसलमानों ने गायों को मार दिया, पर जब चश्मदीदों से पूछा गया और तमाम तरह के वीडियो जब हम लोगों के सामने आए
तो ये भी साफ हो चला था कि गाय आखिर किसने मारी और क्यों अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और वहीं अपराधियों को सपोर्ट करने वाले आरएसएस और बजरंग दल के नेता अब जो मौजूदा सांसद के लिए उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के समर्थन में जा करके वोट मांग रहे हैं और देश में और खासकर बुलंदशहर में एक नफरत भरा माहौल तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन खबरों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो चला है, क्योंकि इन्हीं के चलते देश में एक नफरत भरा माहौल तैयार किया जा रहा है और सरकार और प्रशासन को ऐसे गुंडों के ऊपर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर देर कर दी तो वाकई बहुत देर हो जाएगी और देश की परिस्थिति कुछ दूसरी ही हम लोगों के सामने निकल करके आएगी। जबरन मुस्लिम इलाकों में जा करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भगवा गुंडे वहां घूम रहे हैं, आरएसएस के और बजरंग दल के हिंदूवादी तमाम संगठन जबरन मुसलमानों के एरिया में जा करके मुसलमानों के ठेले के पास खड़े हो करके मुसलमानों को देश का गद्दार कह रहे हैं और उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते वहां के मुसलमानों से जब बात की तो पता लगा कि एक डर का माहौल वहां कायम कर दिया गया है और आरएसएस प्रचारक जो हैं वो ये कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हार गए तो मुसलमान फिर से हावी हो जाएंगे। आखिरकार किस शब्दों का इस्तेमाल इन गुंडों द्वारा किया जा रहा है और इन गुंडों के ऊपर किसी भी तरह से लगाम लगाने में राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार क्यों आंख मूंदे बैठी हुई है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।